मेरा नाम है रोहित गुप्ता और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा आईटी और सॉफ्टवेयर का काम है और मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को मदद करता हूँ किस तरीके से वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। और सबसे बड़ा बिजनेस का रूल होता है टाइम मैनेजमेंट। टुडे वील स्पीक लॉर अबाउट टाइम मैनेजमेंट। हम अपने 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल करें अपने विजन्स, अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन टाइम मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है किस तरीके से हम अपनी जिंदगी से 1 मिनट मैनेजर हटाएं। 1 मिनट मैनेजर एक प्रकार का गलत मैनेजमेंट का तरीका होता है। इसमें लोग आपके कैबिन में आपके अंदर आते हैं, आपके कैबिन में आपके पास आके बात करते हैं, 1 मिनट सर कहते हैं और आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली ये एक आपका फोकस खराब करता है, तो इसलिए जब भी आपके पास कोई भी मिलने आए, कोई भी कोई बात करने आए, तो इसको आप अवॉइड कीजिए। किसी भी व्यक्ति को अलाउ नहीं होना चाहिए जब आप काम कर रहे हैं अपने शेड्यूल्स के हिसाब से, तो 1 मिनट मैनेजर्स शुड नॉट बी इनसाइड योर कैबिन। इसके लिए आप चाहें तो एक छोटा सा नोट लगा सकते हैं जो आपके कैबिन के बाहर लिखा हो कि मैं आपसे ये बात करने आया था, और जब भी आपको ये टाइम मिले आप जाके वहाँ से बात कर सकते हैं, वहाँ के देख सकते हैं कि किस व्यक्ति ने मेरे को मिलने के लिए कहा था 1 मिनट के लिए। हमेशा कोशिश करें कि वो सारे 1 मिनट इकट्ठे होके आपके फाइनल एक शेड्यूल टाइम के हिसाब से रहे। सो अवॉइड 1 मिनट मैनेजर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिवाइड योर इम्पैक्ट एरियाज। हमारे इम्पैक्ट एरियाज क्या है, जो भी जॉब हम कर रहे हैं या जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं उसके इम्पैक्ट एरियाज क्या है, डिवाइड दोज इम्पैक्ट एरियाज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स की फील्ड में हैं तो आपके इम्पैक्ट एरियाज हो सकते हैं कस्टमर्स, इनबाउंड टेली सेल्स, आउटसाइड टेली सेल्स, आपके CRM सिस्टम, आपका कस्टमर से कॉल्स, कस्टमर कॉल्स, डिस्कसिंग अबाउट द न्यू PR एक्टिविटीज। सो देर आर बी लॉट ऑफ इम्पैक्ट एरियाज इन टू योर करेंट जॉब प्रोफाइल। तो डिवाइड दैट इम्पैक्ट एरियाज। वंस यू आर एबल टू फाइंड आउट वॉट आर योर इम्पैक्ट एरियाज, देन यू हैव टू गो इन टू द नेक्स्ट स्टेप। सो फ्रेंड्स, डिवाइड योर इम्पैक्ट एरियाज। इम्पैक्ट एरियाज डिवाइड करने के बाद आपके पास सबसे बड़ी चीज होती है टच इट वंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है जो मैं हमेशा अपने हर मैनेजर से कहता हूँ। टच इट वंस का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज को एक बार छूएं तो उसको पूरा करें, आधा मत छूएं। आधा करके उसे अपना समय दो दो बार आप खराब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक ईमेल आती है एक कस्टमर द्वारा, अगर आप उस ईमेल को तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकते हैं तो उस ईमेल को पढ़िए, वरना उसको मत पढ़िए। टिल द टाइम यू कैन रिस्पॉन्ड इट, टिल द टाइम यू कैन टेक सम एक्शंस ऑन टू इट। सो डोंट डू एनीथिंग जिसको आप दो बार करना पड़े। अगर आप कोई भी चीज उठाएं, कोई भी फाइल उठाएं, तो उसको पढ़ के ना छोड़ दें, उस पर एक्शन लें। सो टच इट वंस इज द फर्स्ट मंत्र फॉर दिस 24 आवर्स टाइम मैनेजमेंट। ऑलराइट फ्रेंड्स, टच इट वंस के बाद अगली चीज होती है मेक लिस्ट। हम लोग खूब सारी लिस्ट बनाते हैं, इधर उधर जो भी समझ में आता है उसकी लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। और जब इतनी लिस्ट बना लेते हैं हम लोग कि हम वो लिस्ट ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज बन जाती है। कभी कभी तो हम दोस्तों 25-26 आइटम्स की लिस्ट लिख देते हैं और उसमें से 2 या 3 आइटम्स भी पूरा नहीं कर पाते। कोशिश ये कीजिए कि मैक्सिमम आपकी लिस्ट में सिर्फ 6 आइटम्स से ज्यादा ना हो। हमारा ब्रेन ही कुछ इस तरीके से स्ट्रीमलाइंड है, 6 से ज्यादा आइटम होते हैं वो हमें बर्डन लगने लगता है। तो कोशिश कीजिए कि 6 आइटम्स की लिस्ट बनाए और वो उन इम्पैक्ट एरियाज के अंदर बनाए। फॉर एग्जाम्पल, इनबाउंड टेली सेल्स एक आपका एरिया है, तो उस इम्पैक्ट एरिया पे आपके क्या आइटम्स या क्या आपके टास्क हैं, आप उसके ऊपर एक लिस्ट बना सकते हैं। सो वंस यू नो कि इस इम्पैक्ट एरिया के अंदर मेरे ये आइटम्स 4 आइटम्स हैं जो मुझे पूरे करने हैं, तो उसकी आप लिस्ट बनाइए। रादर देन एक जेनेरिक लिस्ट मत बना दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट में जा रहे हैं और मार्केट में अगर आप सब्जी की दुकान पर जा रहे हैं, तो सिर्फ उन सब्जी की दुकानों की आप लिस्ट अलग बनाइए। ऐसा नहीं कि मार्केट की लिस्ट भी साथ में चल रही है और दूसरी लिस्ट भी आपके साथ में चल। सो ओवरऑल आपकी लिस्ट जो है वो एक इम्पैक्ट एरिया के जो भी लिस्ट आइटम्स है उसके सामने होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रॉसरी आइटम्स की आपकी लिस्ट है और वो साथ में आपकी और दूसरे टास्क से आपस में इंटरफेयर करे। सो दैट्स हाउ आवर ब्रेन इज स्ट्रीमलाइन। हमारा ब्रेन इस तरह से काम करता है कि वो एक बारी में एक ही चीज पकड़ता है, एंड
वी बिलीव दैट वी कैन डू मल्टीटास्किंग बट इट इज नेवर हैपेंड. मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज नहीं होती, ये हमारा मिथ है जिसको हमें हटाना होगा. सो इंपॉर्टेंट थिंग इज मेक लिस्ट ऑन द इम्पैक्ट एरियाज. मित्रों दूसरा काम हमारा है टाइम एलोकेशन. देखिए जब हम लोगों ने इम्पैक्ट एरियाज डिफाइन कर लिए, हमने उसके अंदर के टास्क और लिस्ट आइटम्स बनाना शुरू कर दिया, फिर हमको अपने आप को मेंटली ये बताना पड़ता है कि हम इस चीज़ को कितना टाइम देने वाले हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप शॉपिंग करने जाते हैं, अपने आप को आपने आधे घंटे दिया, एक घंटे दिया, डेढ़ घंटे दिया, ये आपको अपने आप को बताना होगा कि मैं डेढ़ घंटे में शॉपिंग पूरी करके आऊँगा या डेढ़ घंटे में मुझे सारी चीज़ें करनी है. इससे आप अपने दिमाग से एक चीज़ निकाल दीजिए कि डेढ़ घंटे से दो घंटे हो गए तो क्या होगा, या दो घंटे से तीन घंटे हो गए तो क्या होगा, ये चीज़ें निकाल दीजिए. आप सिर्फ बताइए मैं डेढ़ घंटे में शॉपिंग करके ये सारे आइटम्स खरीद के मैं आ जाऊँगा. हमेशा दोस्तों हमारे दिमाग में यही चीज़ें चलती हैं जिसे कहते हैं अनसर्टेनिटी. जब आप अपने आप को अनसर्टेन करते हैं उस केसेस में दिमाग भी उसी तरह से रिएक्ट करता है. अनसर्टेन होंगे तो डेफिनेट बात है आपको भी डेढ़ से दो से तीन घंटे ही लगेंगे. आप बोलिए, स्ट्रिक्टली बोलिए डेढ़ घंटे में हमारा ये काम पूरा हो जाएगा. और देखिएगा कई कई बार वो काम डेढ़ घंटे से अंदर भी होगा, 10-15 मिनट प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन दिस इज योर एक्सपीरियंस. अगर आपने पहली बार वो काम कर रहे हैं तो हो सकता है आप अपने को टाइम एलोकेट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कोई भी टास्क चाहे वो पहली बार ही कर रहे हो उसको, हमेशा यू शुड एलोकेट योर टाइम. टाइम एलोकेशन में जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ईमेल लिखनी है, मैंने डेढ़ घंटा ईमेल के लिए टाइम दे दिया. मुझे मान लीजिए कोई प्रपोजल्स बनाने हैं कस्टमर्स के, मैंने उसे एक घंटा टाइम दे दिया. मैंने किसी कस्टमर से बात करनी है, मैंने उसे डेढ़ घंटा टाइम दे दिया. मुझे किसी मीटिंग्स में जाना है, मैंने उसे दो घंटा टाइम दे दिया. आई हैव टू मेंटली अलोकेट माई टाइम. टाइम अलोकेशन से हमारा माइंड एक पोजिशन पर आके खड़ा होता है जहाँ पर वो मेंटली ये फील करता है कि इतना टाइम हम इस चीज़ को दे रहे हैं और इतना टाइम इस चीज़ को मिलना चाहिए. दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस. देखिए ओलंपिक के अंदर अगर आप 100 मीटर की रेस भाग रहे हैं, उस 100 मीटर की रेस में अगर आप 20 सेकंड में पूरी करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, भले ही आप 100 मीटर पर पूरा कर लीजिए, लेकिन आपका गोल होना चाहिए 100 मीटर को कितना कम से कम समय में पूरा करना है. इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े विजन्स और बड़े ड्रीम्स के लिए आपको छोटे छोटे टाइम एलोकेशंस मूवमेंट्स आपको आने चाहिए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिवाइड योर टाइम. जो भी आपका टाइम मैनेजमेंट में जो भी आप टूल यूज़ करते हैं, चाहे आउटलुक यूज़ करना चाहे, चाहे अपना कैलकुलेटर यूज़ करना चाहे, अपनी एक्सेल शीट यूज़ करना चाहे, कोशिश कीजिए कि उसको आप टाइम के साथ अपने टास्क को एलोकेट कीजिए. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो जब आपने अपना टाइम डिफाइन कर लिया, अगला स्टेप होता है प्लानिंग ऑफ द डे. और प्लानिंग ऑफ द डे हम एक दिन पहले करते हैं, उस दिन नहीं करते हैं. हमेशा शाम को जाने से पहले अगले दिन की प्लानिंग, यानी कल मैं क्या करने वाला हूँ उसको मैंने टाइम अलोकेट किया हुआ है. टाइम अलोकेट कर दिया मैंने, अब मैं उस टाइम को देखता हूँ कि मैं सवेरे 8:30 बजे मान लीजिए अपने काम पर जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, बिजनेस जाता हूँ, वो जो भी काम करता हूँ, तो 8:30 बजे से 2:30 बजे तक मैं ये करूँगा, 10 बजे से 11 बजे तक मैं ये काम करूँगा. आप अपनी प्रायोरिटीज या आप अपनी बॉडी के हिसाब से कि ये मेंटली काम है, ये मेंटली फिट काम है, मैं जब बहुत क्रिएटिव होता हूँ ये काम मैं इस टाइम पे कर सकता हूँ, ये आप अपने हिसाब से फ्लेक्सी कर सकते हैं क्योंकि आपको टाइमिंग्स मालूम है. अब फॉर एग्जांपल आपको कुछ शॉपिंग करने जाना है तो हो सकता है आप सवेरे सवेरे ना जाके उसको शाम के लिए पैक कर दीजिए. देन यू विल ऑल्सो फील लाइक कि मैं दोपहर का टाइम अपने बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान करूँ, मॉर्निंग का टाइम मैं अपने कस्टमर से बात करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए रखूँ. तो ये आपके लिए होता है, ये आपकी अपनी बेस्ट अपने आप को किस तरीके से आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो ये आप उस पर डिसाइड करिए. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज प्लान ऑफ द डे. वंस यू नो योर इम्पैक्ट एरियाज, वंस यू नो कि आपके टाइमिंग्स किस किस टास्क के कितने टाइम्स हैं, अगले दिन का काम आप सवेरे 8:30 बजे से अपने शाम के 6:30 बजे तक अपना डे प्लान कीजिए. ऑलराइट फ्रेंड्स, चाहे आपका बिजनेस पुराना हो, चाहे आपका बिजनेस नया हो, चाहे आपकी जॉब पुरानी हो या नई हो, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है अपने कस्टमर्स को बात करना, ग्रोइंग योर कस्टमर्स. हमेशा कोशिश कीजिए कि अपना कम से कम 2.5 घंटे का मूल्य समय सवेरे का अपने नए कस्टमर्स के लिए निकाल के रखें. दिस
ग्रोथ के लिए, उस ग्रोइंग कस्टमर बेस के लिए आप निकाल के रखें। सो एज अ सेल्स, बिकॉज मेरे सारा फोकस सेल्स की तरफ है, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब तक आपकी सेल्स अच्छी नहीं है तब तक आपके पास कुछ भी अच्छा नहीं है। कोशिश कीजिए सवेरे 10 से 12:30 के बीच का टाइम, 10 to 12:30 के बीच का टाइम हमेशा अपने नए कस्टमर्स के लिए निकाल के रखिए। एंड वंस यू एस्टैब्लिश दैट हैबिट, देन जो आपकी हैबिट जब आ जाएगी तो आप हमेशा गौर करेंगे कि आपके कस्टमर्स इस टाइम के लिए आपको एक नेचुरली फ्री फील करेंगे आपसे बात करने के लिए। सो वंस यू हैव 2.5 to 3 hours फॉर ग्रोइंग द बिजनेस, और ये सबसे क्रिएटिव टाइम जो आपका मॉर्निंग टाइम होता है, दैट इज वेयर यू शुड स्टार्ट टॉकिंग टू योर कस्टमर्स, ग्रोइंग योर कस्टमर्स। सो फ्रेंड्स, जब आप अपनी प्लानिंग को देखते हैं, जब अपने प्लान को देखते हैं अगले दिन का, तो आपको ये रिव्यू करना होगा कि मेरा ये प्लानिंग कितनी प्रोएक्टिव है और कितनी रिएक्टिव है। और इसका ऑडिट आप दिन के, जब आपका दिन खत्म होता है, जब अपने काम से घर लौट रहे हैं, तब आपको पता होना चाहिए कि मेरे दिन में, मेरे इस दिन के अंदर मैंने कितना प्रोएक्टिवली काम किया और कितना रिएक्टिवली काम किया। प्रोएक्टिव का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर जो अपने स्टेशन पे नहीं बैठा हुआ है बल्कि वो पेट्रोलिंग कर रहा है ताकि कोई भी क्राइम क्रिमिनल घटना नहीं हो, दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव प्लानिंग। Meanwhile, reactive planning वो होती है कि पुलिस ऑफिसर अपने कैबिन में अपने स्टेशन पे बैठा हुआ है और वो सडनली कोई आपके पास आता है और ये कि ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई है, सो एंड देन यू रिएक्ट ऑन इट, सो दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव प्लानिंग। रिएक्टिव प्लानिंग हमेशा ही आपको एनर्जी से ड्रेन करेगी, इट विल ऑलवेज ड्रेन यू फ्रॉम द एनर्जीज, और जब ऐसा होगा तो आप अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाएंगे। सो बेटर ऑफ प्लान योर वर्क, प्लान एवरीथिंग लाइक योर डे, एंड डे वाइज डे जब आप प्लान करेंगे तो ऐसे आपके विजन्स और आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो आज का टाइम मैनेजमेंट का लेक्चर मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से आपको वो 6 steps रिपीट करना चाहता हूँ। सबसे पहला, टच इट वंस, कोई भी चीज़ हो उसको एक ही बार टच कीजिए। टच करने का मतलब उसको जो भी एक्शन लेना है एक्शन ले लीजिए, बात के लिए मत छोड़िए। दूसरी चीज, डिफाइन योर इम्पैक्ट एरियाज, आपकी जॉब के प्रोफाइल में, आपके बिजनेस के प्रोफाइल में, या आप जिस भी चीज पर काम कर रहे हैं उसके इम्पैक्ट एरियाज होते हैं। इम्पैक्ट एरियाज वो एरियाज होते हैं जहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको उसका इफेक्ट पड़ेगा। सो डिफाइन दोज इम्पैक्ट एरियाज। थर्ड थिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स, उस इम्पैक्ट एरियाज के अंदर क्या क्या चीजें करनी है आपको, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। जब वो लिस्ट बन जाए उसके बाद आप मेंटली अलोकेट कीजिए अपने टाइम को, दैट्स योर फोर्थ स्टेप, अलोकेट टाइम। हमेशा कोई भी चीज को बैनल मत छोड़ दीजिए, कोई भी चीज को अनटाइम मत छोड़िए, कोई भी चीज उस इंपैक्ट एरियाज के आइटम्स में हमेशा उसको टाइम दीजिए। देन आप अगले दिन की प्लानिंग उसी टाइम के हिसाब से करें। 8:30 बजे अगर आप अपना ऑफिस जाते हैं या जो भी आप काम करते हैं, उस टाइम से आप अपना उसको प्लानिंग दीजिए कि ये टाइम पे मुझे आधे घंटा लग रहा है या एक काम पे 2 घंटा लग रहा है। प्लान दैट, आई बिलीव दैट यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम ऑफ योर 24 आवर्स। और इस प्लानिंग को आप रिलीजियसली फॉलो कीजिए। रिलीजियसली इसलिए कहते हैं, जैसे हम मान लीजिए सवेरे उठ के पूजा करते हैं, उसी तरह से आप इस चीज को भी रिलीजियसली फॉलो कीजिए। आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो सकता है पहले दिन आप नहीं कर पाए दूसरे, लेकिन आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा ताकि आप उन 6 चीजों को अपने 24 घंटे के फ्रेमवर्क में रख लें। एंड वंस यू आर एबल टू डू दैट फ्रेंड्स, दिस बिकम्स वेरी इजी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।